जय जवान, जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया हैं। और मैं हूँ इस समय आलू मंडी छिबरामऊ में, और आज दिनांक है 16 अप्रैल 2023, और समय भी आपको मैं बता देता हूँ, करीब 11 बजने जा रहा है। अभी शिवरो मंडी का दृश्य जो देख पा रहे हो आप ना, बहुत आराम से इसी तरीके रोज़ का होता है, मतलब आज का नहीं, रोज़ का इसी तरीके का होता है, ठीक है। और चाहकर भी अब आलू नहीं रोक पाएंगे, आलू किसान डंप वाला। यहाँ पे ये लाट खुली पड़ी है, ठीक है। अभी इस लाट की बिक्री नहीं हुई है, चेचक वाला आलू है, लाल गोल वाला आलू। एक वो भी, ये भी लाल है आलू, टेंशन है, जंगीला टाइप का है, इसका भी बिक्री नहीं हुआ है। यहाँ पे बाद इस गली का सीन इधर देखो और इधर भी देखो, बिल्कुल सन्नाटा। मतलब मंडी में बहुत ज़्यादा मतलब आमदनी नहीं आती है, पूरे दिन में बड़ी मुश्किल से 7-8 मोटर आमदनी हो पाती है, ऐसा मेरा अनुमान है। पूरे दिन में लगभग 7-8 मोटर आमदनी हो जाती है लगभग, और जो है मंडी में बहुत ज़्यादा सन्नाटा सा पसरा हुआ है। देखते हैं कहीं बिकरा हो भाई। पहला यहाँ पे लाल आलू बिक्री हो चुका है, और इसकी आपको थोड़ा मैं पहले तो क्वालिटी दिखाता हूँ क्रिया से, मतलब अच्छे तरीके से। इसकी क्वालिटी थोड़ा जंगीले टाइप का आलू है, और ये साइज जो है ना इसका थोड़ा वम्पर टाइप का साइज है। ये देख पा रहे आप लोग आलू है, ये कितने कट्टे लाट थी? ये 105 कट्टे की लाट थी, और आलू व्यापारी अजीत भैया ने इसको ख़रीदा है। क्या रेट में ख़रीदा आपने इसको? 425 रुपए में। और आमदनी आज कितनी है? आमदनी आज है 2-3 मोटर का भी है, बिल्कुल आए नहीं है, मैं लग रहा था सन्नाटा है। ये वाला भी खरीद लिया आपने? ये नहीं भी खरीदा। अच्छा, और मंडी में और भी खरीदे होंगे कहीं ना कहीं? और खरीदे। क्या क्या रेट में? सफ़ेद 400 को लो। सफ़ेद 400 हो गया आज? फिर फिर टाइट, मतलब ये होता क्या है मंडी रोज डाउन टाइट डाउन। हाँ, सफ़ेद आलू 411 भी हो गया, मतलब फिर भाव मतलब करंट पे। और सफ़ेद आलू आज माना जाएगा ऊपर में 411, नीचे में 250 लेके और 411 तक। 300 से कम में कोई आलू नहीं? 350 से कम में कोई आलू नहीं है। अच्छा, फिर एक बार आलू का भाव मतलब सही हो गया, जिन किसानों का डंप लगा है वो ले आए, क्योंकि अब हमें लग रहा है किसान अगर चाहेंगे ना डंप अभी लगा रहने दें, लेकिन अब बचेगा नहीं, सड़ जाएगा साला सब है, तो अब तो मतलब मजबूरी में बेचना ही होगा किसानों को, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। तो ये जो है 425 रुपये में बेचा हुआ है। अच्छा, लाल का ऊपर में क्या भाव रहा? लाल अब जय ट्रैली लाल की बिची है, और हाईलैंड बिची है 480 रुपये। हाईलैंड 480 525 रुपये बेची यार। 525 आपने यकीन की दुकान पे लेजम सिंह ट्रेनिंग कंपनी पे भैया, इन्होंने 525 रुपये मतलब बेची थी न्यू हाईलैंड आज कल सुबह। अच्छा, अभी यहाँ पे बिक्री हो चुका है इनका न्यू हाईलैंड आलू, 525 रुपये प्रति पैकेट। मतलब आलू में एक बार फिर जो है तेजी देखने को मिल रही है, इसीलिए कहता हूँ मैं कि जिन जिन किसान भाइयों के पास माल बचा हुआ है तो भाव अगर सही मिलते हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने अपने माल की ग्रेडिंग करके ले आके आराम से मंडी में सही भाव में बिक्री कर सकते हैं। बाद में जब आप लोग लाते हो, जब 300-350 बिकने लगता है तब। और आप लोग तो देख ही रहे होंगे इस समय धूप ज़्यादा पड़ती है, आप लोगों के डंप में आप लोग जाके देख सकते हैं कि आलू जो है थोड़ा सड़न सा टाइप हो रहा है। मतलब हर जगह मैं देखता हूँ, जितने भी डंप लगे हुए थे लगभग सभी जगह आलू जो है सड़ने के टाइप का लग रहा है। भैया लिखो, इसको भी लिखो, इसका भी बन जाए फिर। 380। अरे अरे 380 ले ले अजीत भैया ने। अरे आज एक बात मान ले किसान भैया की, किनको आलू तुम्हारो भैया? एक किसान खड़े यार, हम पूछे ले भैया कितने बेच रहे हो, खुश हो? अरे देखो भाई यार, बताओ और क्या यार, देखो भैया किसान 380 की कह रहे हैं, और मतलब जो है व्यापारी भाई 70 की, मतलब 10 रुपए के पीछे 85-80-60 कट्टे हैं इसके, 10 रुपए के पीछे लड़ाइयाँ चल रही हैं यहाँ पे। व्यापारी भाई ने मतलब इसको 370 का बोल रहे हैं, और किसान 380 का। 380 ना, ये देखो 380 रुपए प्रति पैकेट ये आलू भी बिक गया है। इसमें जो है थोड़ा देखो आप लोग जो है, हाँ ये 380 बिच गई, ये चेचक वाला है देखो 380 रुपए में।
380 रुपए में, ठीक है ये आलू 380 रुपए प्रति पैकेट। फिर आलू की बिक्री हो रही है, ठीक है ये एक लाट खुली पड़ी है, ये 37 में, ये भैया देखो 37-97 आलू बता रहे हैं ये किसान भाई, किसान तो कह रहे भैया खुद तुम्हारा ही है, हमारा 37-97 है भैया बताओ। और ये किसका है भैया? 10,000 रुपए इनाम रखा गया इस आलू को चूज करने, मतलब पहचान बनाने में। अभी देखो है 37 लग रहा है भैया, आप बताओ लड़ रहे। देखो भैया इधर तुम के लिए जान रहा है, मेरा किसान जान रहा है, हम जानते हैं, 10,000 रुपए इनाम देकर 37 ना साथ। कहाँ से आए हो आप? नगला डड़ुआ सौरिक से। उधर जंप लगा है और अभी? हाँ अभी और लगा। अच्छा अच्छा, कब तक चलेगा? चलेगा करीब 30 तारीख। हमने सुना डंप में आलू सड़ने लगा है, तो नहीं नहीं अब एक सौकट्टी लगा है तो कम से कम हमें 10 कट्टी हाइब्रिड सड़ेगा में नहीं ना, नहीं सड़ेगा जब तक जुलाई तक। भैया देखो यार ये पूछा 37-97 भैया, ये जो है 380 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिका। ये सफेद आलू कितने 80 है? ये कितने 80 है भैया? 380। ये देखो 380 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से आलू ये बिका हुआ है, 380 रुपए प्रति पैकेट ये आलू, ठीक है ये देखो। और ये लाट पे बिक्री हुई है, और एक ये गुल्ला पड़ा हुआ बीजा, मतलब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि आलू का जो भाव है आज ना, आपको मैं बता दूं कि 250 से नहीं, मतलब कि आपको आज बुलाना पड़ेगा 350 से लेकर और आपका 411 रुपये प्रति पैकेट तक आज जो है सफ़ेद आलू की बिक्री हुई है। मतलब एक आध लाट मतलब 411 में बिकी है, बाद की 380-70 ऐसे करके यहाँ पे आलू की बिक्री बराबर हो रही है। और ये जो है हरू आरती दादाजी, आज क्या भाव आलू बिके बताएं कुछ? अच्छा अच्छा, अभी आए दादा, और अभी मंडी में भ्रमण कर रहे हैं, आज आमदनी देख रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो आज जो है अभी लगभग 411 एक आध लाट बिक गई ऊपर में। हाँ अच्छा अच्छा, दादा अभी यहाँ पे भ्रमण वगैरह कर रहे थे, अपना आमदनी वगैरह देख रहे कितनी क्या है, क्या सीन है मंडी का। तो अभी देखो सभी आड़ती और व्यापारी लोग ढूंढ रहे हैं आलू को, और ये आज के भाव हैं। और ऊपर में न्यू हाईलैंड बताते हैं 525-520 रुपए तक बिकी हुई है।